आज की इसमें मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक में इस तरह से दिया है, तो पूछा है कि आपसे एक्स का मान पूछा है। यदि एक्स प्लस कड़ी में एक्स इक्वल टू 90 है तो एक्स का मान आपसे पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। एक्स देखिए आप करना क्या, आपको ऑप्शन से ये चेक करना है कि एक्स के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे कितना चाहिए, 90 के बराबर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पे एक्स के स्थान पे 64 रखेंगे, 64 रखेंगे और यहाँ पे भी 64 रखेंगे तो ये कड़ी से फ्री होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 8 देगा। कड़ी में 64 जब ये फ्री होगा कड़ी से, तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 8। अब क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 मिलेगा क्या, मैं देख रहा हूँ 90 नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं आपका, पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन लेके चेक करते हैं, अगर आप एक्स के स्थान पे 81 रखेंगे, एक्स के स्थान पे 81 रखेंगे तो यहाँ पे भी 81 रखेंगे और ये जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 9 मिलेगा। इतना क्लियर है। और इधर इक्वल टू कितना, ये 90। अब आपको यही चेक करना है क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद 90 मिल रहा क्या, अगर मिलेगा तो वही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 90 इक्वल टू 90 हम देख रहे क्या बराबर हो गया। तो कह सकते हैं कि एक्स का मान कितना होगा, 81 यानी 81 होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। यदि ए अनुपाते बी का मान कितना, 3:4, बी अनुपाते सी का मान 6:5, तो इसका मान आपसे पूछा है, इसका मान आपसे पूछा है क्या होगा। देखिए जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात जब चैप्टर पढ़ाया था, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। सबसे पहले करना क्या, आपको यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो करना चाहिए और ये इस बात को फॉलो करा। इसके बाद आपको ये चेक करना क्या बी के मान दोनों जगह सेम है क्या, बी का मान यहाँ पे 4 है और बी का मान यहाँ पे कितना है, 6। तो बी का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, बी का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करें, इस तरह से लिख लीजिए ए बी सी का मान आप निकाल लीजिए। तो तरीका मैंने आपको यही बताया था कि इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करिए। अगर आप इसका गुणा इसमें करेंगे कितना मिल जाएगा, ये 18। आपने पहली बार गुणा किया है तो पहली बार में इसका 3 यहाँ से क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब बचा कितना, ये 4। 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 6×24 हो जाएगा। दूसरी बार में इसका पहला क्या हो गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब जो बच गए हैं उनका आपस में गुणा कर लीजिए, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 20 मिलेगा। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जब रेशियो इनके बीच में लग जाएगा तो रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप में न्यूनतम फॉर्म लगता है। देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो काट के हम लोग छोटा कर दें, ये 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये 10। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे इसका मान पूछा है। देखिए ए का मान मुझे पता चल गया और यहाँ पे क्या, ए प्लस सी। अब देखिए पहला वाला ए है और ये लास्ट वाला कितना, सी है, तो इसमें रख के हम सॉल्व करते हैं। इसमें रख के जब सॉल्व करेंगे तो ए का मान कितना है, 9। इतना क्लियर है। अब देखिए ए प्लस सी करना आपको, यानी पहला और लास्ट वाला जोड़ना है, ए और सी है कि नहीं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 19। ये इसका आंसर आ गया, 9:19। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन थर्ड देखा जाए इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड में इस तरह से दिया है, पूछा है कि इसका मान किसके बराबर होगा। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो 6 है इसको 2×3 लिख सकते हैं क्या, इस तरह से लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। और इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से कितना मिल जाएगा, 1/6 मिलेगा। यानी इसके स्थान पे हम ये चीज लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। यानी इसको फैक्टर करके इस तरह से, यानी इस तरह से गुणनखंड करके इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, तो हम से हम इसी तरह से लिखने जा रहे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी, ठीक है, वही चीज मैं आपको यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, 1/2 माइनस 1/3। इसको भी तो हम लोग फैक्टर करेंगे
तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 गुणनखंड करेंगे नहीं करेंगे इस तरह से। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से लिखेंगे, सेम इसी तरह से लिखेंगे 1/3 और ये -1/4, इस तरह से हम बाकी भी लिख लेंगे और जितने हैं इस तरह से हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है। अब ये प्लस डॉट डॉट करते करते ये लास्ट वाले के पास पहुंचते हैं, अगर आप इसका करेंगे तो 6-7 आगे क्या मिलेगा, इस तरह से 4-5 मिलेगा और यहाँ पे करेंगे तो 5-6 मिलेगा और यहाँ पे 6-7 मिलेगा। तो इसको क्या करें, 7 और 8 का आप लेंगे इस तरह से। तो लास्ट वाला इस तरह से करते करते क्या मिलेगा, 1/7 - 1/8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लास्ट वाला मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब देखिए इसमें कुछ टर्म आपस में कट रहे होंगे कि ये इस तरह से ये करता चला जाएगा, इस तरह से ये सब करते चले जाएंगे। तो बचेगा क्या, आपका पहला वाला बचेगा और लास्ट वाला बचेगा। तो 1/2 - 1/8 जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 8 ही मिलेगा, इतना क्लियर है। इससे भाग देंगे, 2 × 4 = 8 हो गया, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 ही मिलेगा और ये कितना हो जाएगा, 8 × 1 = 8 हो गया और ये -1 तो कितना मिल जाएगा, 3/8। अब इससे छोटा तो होगा नहीं कटके, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, कौन सा ऑप्शन मैच करा, बी ऑप्शन किसका मैच करा। यानी ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दोबारा मिले तो आपको करना है क्या, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आपको करना है कि आपको पहला वाला टर्म लेना है, पहला वाला यानी 1/2 आपको लेना है और लास्ट वाला ले लीजिए 1/2, यानी पहला वाला टर्म ले लीजिए और माइनस लास्ट वाला टर्म ले लीजिए 1/8। इन दोनों को डायरेक्ट आप इस तरह से एग्जाम में लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से आप परेशान नहीं करेंगे एग्जाम में, आप क्या करेंगे ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे, पहला वाला ले लेंगे और लास्ट वाला लेके आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन 5 में देखिए क्या दिया गया है, अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिन में और भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ 5 दिन में पूरा करते हैं, चेतन अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। अर्जुन को लोग क्या मान ले, ए मान रहे हैं और भीम को बी मान रहे और चेतन को क्या मान ले, सी मान ले। तो कोई कार्य है अर्जुन यानी ए अकेले कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो भीम है, भीम को लोग बी से इंडिकेट कर दे रहे, भीम उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, अकेला 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। फिर क्या कहा गया, चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं, यानी चेतन की सहायता से, यानी अर्जुन भी कार्य में लगा है, भीम भी लगा, अब चेतन की सहायता यानी चेतन तीनों कार्य में लगे हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जा रहा, 5 दिन में पूरा हो जा रहा। आप कर लीजिए ए प्लस बी और चेतन को सी से इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है, तीनों जब मिल जाए तो कार्य कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, 5 दिन में फिनिश हो जाएगा। अब करना क्या, आपको इन सभी को आपका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में आपको पढ़ा दिया, ठीक है, वहां से जाकर आप देख लें। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क आपको पता चलेगा, टोटल कार्य कितना है। एलसीएम लेने के बाद इससे भाग देंगे, 5 बार जाएगा, इससे भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि एक दिन में इतना काम करा, बी एक दिन में इतना काम करा और तीनों मिलकर इतना काम करे। तो प्रश्न पूछा कि चेतन अकेले उस कार्य को कितने दिन में, अगर ये टोटल कार्य किसके द्वारा कराऊं, चेतन के द्वारा कराऊं, तो चेतन कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करें कि चेतन एक दिन में कितना काम कर रहा है, जबकि इन दोनों का तो पता है, इन दोनों का पता है, चेतन का नहीं पता है। अगर मैं करूं कि इन दोनों को ऐड कर लूं, कितना मिल गया, 9, और यहाँ पे तो तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तीनों मिलके कितना, 12 काम कर रहे हैं, जबकि ये दोनों खुद ही 9 काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूँ तो कितना मिल जाएगा, 3, और ये 3 किसका कार्य पता चल गया आपको, सी का यानी चेतन का पता चल गया। सी एक दिन में कितना, 3 काम कर रहा है और करना कितना, 60। तो आप लिख लीजिए चेतन द्वारा अगर टोटल कार्य कराया जाए तो कितने दिन का टाइम लेगा, ये 20 दिन का समय लेगा। ये इसका आंसर आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, 20 डेज। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है, उसके पास कुल रकम
116 रुपया है, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए कहा क्या क्वेश्चन में, रमेश कोई व्यक्ति है और इसके पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के, सिक्कों का रेशियो दिया और कुल धन दिया है, तो आपसे यही जानना चाह रहा है कि उसके पास 50 पैसे कुल कितने सिक्के हैं, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले करिए क्या, आप लिख लीजिए 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपये, सी इनका अनुपात कितना दिया आप लिख लिए, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया, 2:3:5, यही तो रेशियो दिया गया है, यही रेशियो दिया गया। अब देखिए करने की ये इनको हम लोग क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करें, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, अगर जब रुपए में बदलेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 रुपये मिलेगा। अगर दो दो 50 पैसे के सिक्के हैं, 2 50 पैसे के सिक्के हैं, जब रुपए में बदलेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा आपको, 1 रुपया आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, अगर आप जब इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए 5 रुपये के कितने सिक्के, 5 सिक्के, तो कुल धन कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 25 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, 25 रुपया मिलेगा और कुल धन कितना दिया गया है, 116 रुपया, कुल धन कितना दिया गया, 116 रुपया दिया गया। अगर आप यहाँ से कुल धन जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 29 मिलेगा, कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। अब देखिए ये भी कुल धन है और ये भी कुल धन है, तो इस धन से इस धन में क्या करिए, भाग दे दीजिए, 29 से क्या करना है आपको, भाग देना। देखिए कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 4 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। इतना क्लियर है, जितनी बार भाग गई है, और प्रश्न में पूछा क्या, 50 पैसे के सिक्के पूछा ना, तो जितनी बार भाग गई 50 पैसे वाले मिला के गुणा कर दिए, किस मिला के गुणा करना आपको, 50 पैसे वाले मिला के गुणा कर दिए, यही तो रेशियो 50 पैसे, इसमें ला के गुणा कर दिए, कितना 4 2 8, यानी कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं, 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के, ये इसका आंसर आ गया, डी ऑप्शन के इसका मैच करा। अगर प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तब इसका लाके आप क्या करेंगे, इस वाले में गुणा करें, कितना जाएगा, 4 3 12। अगर 5 रुपए का पूछेगा तो इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 है, 4 5 20 हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा, 50 पैसे का पूछा ना, तो इसका गुणा इसमें कर लीजिए, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रतीक 4800 रुपये की दर से बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पे आपको पूरा फिगर द्वारा बना के आपको समझाया था। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे फिगर वगैरह नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, और मैंने आपको ऐसा बताया था, जब दो वस्तुएं क्या किया जाए, सेम प्राइस पे बेची जाए, जब दो वस्तुएं सेम प्राइस पर बेची जाए और लाभ और हानि दोनों क्या हो, समान हो, तो ऐसे व्यापार में क्या होता है, हमेशा हानि होती है। मैंने आपको यही बताया था कि ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है, और कितनी हानि होती है, R²/100 के बराबर होती है, R²/100 के बराबर होती है। मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दूं, कॉन्सेप्ट इसका यही है, जब दो वस्तुएं सेम प्राइस पर बेची जाए, एक पर लाभ हो जाए और दूसरे पर हानि हो जाए, तो ऐसे व्यापार में हमेशा क्या होती, हानि होती है, और हानि किसके बराबर होती है, R²/100 के बराबर होती है। अब करना कि देखिए आर का मान आपको पता है, यानी देखिए सेम है कि नहीं, आर का मान पता है, इसमें रख के सॉल्व कर लिए, अब क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लिख लीजिए प्रतिशत हानि, ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है, तो आर का मान कितना, ये 20 है, तो 20 × 20 हो जाएगा, यानी 20 रखेंगे तो 20 × 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और नीचे कितना, 100, ये 00 से ये 00 कट गया और ये कितना मिल जाएगा, 4, यानी कितने परसेंट की हानि हुई उसे, 4% की हानि हुई, तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सीता ने प्रतिवर्ष 10% पर इतने रुपए सामान्य ब्याज दर पर उधार ली, सामान्य ब्याज का मतलब क्या, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज पर उधार ले ली,
उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अपने दोस्त को दे दी। 2 साल के अंत में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए कोई महिला है, इसका नाम क्या सीता, इसने क्या किया, इतने रुपए की राशि क्या करे, किसी से उधार ले रही, और किस पर ले, साधारण ब्याज पर ले रही, साधारण ब्याज पर ले रही और 10% के हिसाब से ले रही 2 वर्षों के लिए। और उसने किया क्या, ये राशि क्या कर दिया, उठा के क्या कर दिया, अपने दोस्त को दे दिया, अपने दोस्त को दे दी, अपने दोस्त को दे दी। लेकिन अब ये क्या करे, चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रही अपने दोस्त को, तो पूछा क्या उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, यानी सीता को कितने परसेंट का लाभ होगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना आपको सीआई और एसआई में आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, सीआई और एसआई में आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, जिन लोगों को अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कंप्लीट पढ़ना है, तो उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखिए कहा क्या, 2 साल की बात कहा है ना, तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, जब चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर पढ़ाया था, तो 1 साल बना लीजिए और ये 2 साल बना लीजिए, इस तरह से मैंने आपको बताया था। अब देखिए करना क्या, पहले वर्ष तो क्या करेगा, पूरे धन पर 10% का ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 18,000 रुपये मिलेगा। 18,000 मिले क्या मिलेगा, इसका 10% निकालेंगे तो 18,000 आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, ठीक है, जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो फिर आपका कितना, 1800 रुपये ब्याज तो बनेगा ही, 1800 रुपये ब्याज तो बनेगा ही। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, तो इसमें होता है कि ब्याज पर भी ब्याज बनता है, जो पिछले साल का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की तो यही खासियत होती है कि ब्याज पर ब्याज बनता चला जाता है। तो इस तरह से जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे, ये ब्याज तो बनेगा ही 18,000 रुपये, लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा, और दर आपको पता है 10%, इसका 10% निकालेंगे 18,000, 18,000 का 10% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1800 रुपये मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए करने के, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे आपको क्या मिल जाएगा, एसआई मिलेगा, यानी साधारण ब्याज आपको मिलेगा, साधारण ब्याज आपको मिलेगा। जब आप इस पूरे को जोड़ेंगे, इस पूरे को जब जोड़ेंगे क्या मिलेगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यानी सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब क्या करने की, अगर वो खुद लेती 2 साल के लिए तो उसे इतने रुपए क्या बनता, ब्याज बनता, उसका ब्याज इतना बना। लेकिन उसने क्या कर दिया, किसी और को उठा के दे दिया, तो उस पूरे लेन देन में उसे क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रही, तो ये उसे एक्स्ट्रा मिला, यही तो उसे एक्स्ट्रा मिला, ये आपका साधारण ब्याज हो गया। साधारण ब्याज के ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष के ब्याज कांस्टेंट होता है, लेकिन उसने अपने दोस्त को उठा के धन दे दिया तो उसे ये रुपए लाभ हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रही, तो यही तो उसे लाभ होगा, 1800 रुपये का उससे लाभ होगा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं करना आपको इसमें, इसका 10% निकालेंगे तो ये मिलेगा, जैसे दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो फिर आपका ये मिलेगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, इसमें ब्याज पर ब्याज बनता है, जो पिछले साल का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा, इसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाए। इन दोनों को जोड़ेंगे साधारण ब्याज मिल जाएगा, और पूरे को जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो दोनों में फर्क क्या है, यही फर्क है, और जो फर्क है वही उससे क्या होगा, लाभ होगा सीता को, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य कितना है, इसमें आपसे ये पूछा। देखिए जो भी दुकानदार को लाभ हो रहा है, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 26% का लाभ हो रहा है, यानी क्रय मूल्य के हिसाब से उसे 26% का लाभ हो रहा है। अगर आप इसका क्या करें, डायरेक्ट क्या करिए, 800 का 126% निकालिए, डायरेक्ट क्या करिए आप, 800 का पहला तरीका यह है कि आप इसका 26% निकाल करके फिर आप 800 में जोड़ेंगे, इस तरह से आप करेंगे, 2 प्रोसेस आपका होगा। लेकिन अगर आप एक लाइन में करना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट क्या करिए, आप 126% आप निकालिए, तो हमको ये पता चल जाएगा कि उसने उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा। 800 का करना कि अगर 26% लाभ हो रहा है तो ये इसका डायरेक्ट क्या करिए, आप 126% निकालिए। अगर ये क्रय मूल्य तो ये अपने आप 100% है और 26% का लाभ चाह रहे हैं,
तो डायट इसका क्या करिए, आप 126% आप निकाल लिए। आप देखिए फिर क्या कहा गया पहली लाइन में, यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर क्या करे 10% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ, तो उसका पूछे यानी अंकित मूल्य पर क्या करा 10% की छूट दे रहा है, छूट देने के बाद ही तो इतने रुपए में वस्तु बिक रही है, तो अंकित मूल्य जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अगर इसमें से 10% की छूट दे रहा तो दाम कितने का ला रही है, अंकित मूल्य का सिर्फ 90% दाम ले रहा है। तो करना की देखिए क्या आपका 90% है, इस पूरे में क्या करिए आप 90 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। यहां से कट गया, 0 से 0 कट गया, अगर 9 से इसको डिवाइड कर दो तो 9 एक कम 9 हो गया, 3 इधर गया, 9 चौको 36। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, लास्ट में 0 मिलेगा, 8 चौको 32, 8 चौको 32 के 2 हो गया, 8 एक 8 3 11, 1120 रुपये। यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1120 रुपये। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, देखिए इसमें करना क्या, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। अब देखिए दुकानदार अंकित मूल्य पर जब 10% की छूट देने के बाद भी उससे कितना हो रहा है, 26% का लाभ हो रहा है, और क्रय मूल्य मुझे पता है, तो हम लोग करेंगे डायरेक्ट इसका क्या करेंगे 126% निकालेंगे। अब जो भी और हमसे अंकित मूल्य पूछा है ना, तो जो भी अंकित मूल्य रहा होगा वो अपने आप पे 100% रहा होगा। अगर इसमें से 10% की छूट देता रहा तो दाम कितने के लिए रहा, 90% का। तो इस पूरे में क्या करिए आप 90 से भाग दे दीजिए और 100 से ऊपर गुणा कर लीजिए। इन सभी का कैलकुलेशन करिए आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब रहने दे रहे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है।